नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिशा श्रीवास्तवा है। आई हैव सिक्योर्ड रैंक 21 इन यूपीपीएससी 2020 और मेरा ऑप्शनल जियोग्राफी था। इस वीडियो को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और फिर कुछ स्मॉल सजेशंस। जहां तक प्रीलिम्स की बात है तो मैं ऑलरेडी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने यूपीपीएससी के लिए ऐसा कुछ अलग से नहीं किया। बस जो हमारी बेसिक बुक्स हैं मैंने उनके बहुत मल्टीपल रिविजन किए। बेसिक बुक्स जैसे हमारी लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए, मॉडर्न इंडिया की हमारी स्पेक्ट्रम है, एंशियंट की हमारी आर्य शर्मा है और मेडवे की सतीश चंद्रा, और आर्ट एंड कल्चर की मेरी फाइन आर्ट्स की बुक क्लास 11th की, और नितिन सिंघानिया के कुछ सेलेक्टिव चैप्टर्स। फिर इकोनॉमिक्स के लिए मैंने मृणाल के लेक्चर्स देखे थे यूट्यूब पे, मैंने उसके नोट्स बना लिए थे। एनवायरमेंट में शंकर की बुक पढ़ी, PMFIS के नोट्स देखे कुछ। जियोग्राफी में क्लास 11th की NCERT जो जियोग्राफी की है, और ह्यूमन जियोग्राफी की भी जो NCERT है, और GC Long। अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज, करंट अफेयर्स के लिए मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो मंथली करंट अफेयर के वीडियोज आते हैं मैंने उन्हें ही मल्टीपल टाइम्स रिविजन कर लिया था फॉर यूपीपीएससी स्पेसिफिकली। नाउ व्हेन इट कम्स टू पेपर 2, तो मैंने उसके लिए ऐसा कुछ खास अलग नहीं किया था। ऑन द डे ऑफ माई प्रीलिम्स मैं कम्प्लीटली न्यूट्रल माइंड सेट से गई थी विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, एंड आई ट्राई टू अटेम्प्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस, तो दिस वर्क फॉर मी। कमिंग टू द सेकेंड सेगमेंट विच इज द मेंस, द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, मैंने सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवाया, सिलेबस को प्रॉपरली देखा कि यूपीएससी में और यूपीपीएससी के सिलेबस में क्या माइन्यूट डिफरेंसेस हैं और क्या क्या कीवर्ड्स हैं सिलेबस में इसके, जिस पे मैं ध्यान दे सकती हूँ। कमिंग टू GS1 जो कि हमारा स्टैटिक सिलेबस है मैक्सिमम, उसमें वही स्टैंडर्ड बुक्स आर्ट एंड कल्चर की, जियोग्राफी की मैंने इस्तेमाल की, पर साथ में जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री है तो उसके लिए मैंने मार्केट से PDF ले लिया था, वो मैंने रीड कर लिया था। बट इस बार वर्ल्ड हिस्ट्री के क्वेश्चंस थोड़े कंटेम्पररी थे, तो आई थिंक आप वर्ल्ड हिस्ट्री को थोड़ा और वाइडली पढ़ सकते हैं थोड़ा सा किसी अच्छे सोर्स से। कमिंग टू यूपी स्पेसिफिक पार्ट, यूपी स्पेसिफिक में मैंने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो स्कीम्स ये लोग वीडियोज डालते हैं मैंने उसको कई बार देखा, तो ये मेरा हेल्प किया। ऑल्सो एक यूपी समग्र करके किताब आती है, वो बुक मैंने रेफर करी थी, तो इट हेल्प मी टू। नेक्स्ट इज GS2 जिसमें हमारे लक्ष्मीकांत है, उसको और कोई ऐसा बेसिक सोर्स GS2 के लिए रेफर करने की जरूरत तो नहीं है। उसके बाद GS Paper 3 में इट इज मोर ऑफ द करंट अफेयर्स बेस्ड पेपर, तो यहाँ पर आपको जो इकोनॉमी है उसका बेसिक आप स्ट्रांग रखिए अपना। उसके बाद आपका जो इकोनॉमिक सर्वे और बजट के मटेरियल है, मतलब मैंने तो मार्केट से लिया था और इसका मैंने अच्छे से थॉरो कर लिया था इन दोनों को। उसके बाद जो साइंस एंड टेक एनवायरमेंट वगैरह है ये मैंने करंट से कवर किया था। अब तीनों पेपर्स में मेरा एक चीज कॉमन है जो कि मेरा करंट अफेयर्स, उसके लिए मैंने सिर्फ एक सोर्स फॉलो किया है जब से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी है 2.5 साल से। विजन के जो मंथली करंट अफेयर मैगजीन आते हैं उसको मैंने बहुत ही थरली गो थ्रू किया है, तो दिस हैज हेल्प्ड मी विद द करंट अफेयर्स। और मैं न्यूज़पेपर्स लगातार पढ़ रही हूँ हर दिन, तो इससे मेरा कॉन्टेंट बेसिक बना दिया था और मेरा नॉलेज इसके ऊपर अपग्रेड किया। नाउ GS Paper 4, इसके लिए मैंने कुछ अलग से नहीं पढ़ा, बस मैंने सिलेबस देखा, उसमें जो जो कीवर्ड्स थे, जो चीजें थी, मैंने उनको अच्छे से गो थ्रू किया, उनके सबके एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स, जैसे किसी सिविल सर्वेंट का कोई एग्जाम्पल दिया आपने, तो मैंने इसके छोटे नोट्स बना लिए इस पूरे के। और फिर दो तरह के क्वेश्चन होते हैं Paper 4 में, दूसरा हमारा केस स्टडी की मैंने प्रैक्टिस आंसर राइटिंग के थ्रू की थी। कमिंग टू माई ऑप्शनल, मैंने GS की तो कोई कोचिंग नहीं करी है, पर ऑप्शन के लिए आई एम टेकिंग कोचिंग इन बाजीराम, तो मेरे उसके नोट्स थे। ऑल्सो 500+ के क्वेश्चन आते हैं मार्केट में, मैंने उसको बहुत मल्टीपल रिविजन किया। प्लस जो हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं मैंने उसको सिर्फ रेफरेंस के लिए देखा, जैसे हमारी माजिद हुसैन है ह्यूमन के लिए, हमारी सविंदर सिंह फिजिकल के लिए, और खुल्लर जो है हमारी इंडियन जियोग्राफी के लिए, जस्ट फॉर द रेफरेंसेज पार्ट। ऑल्सो जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ती थी तो मैंने अपने आंसर्स को ज्यादातर कंटेम्प्रेरी बनाने की बहुत कोशिश की। जब मैं न्यूज़पेपर्स पढ़ती थी तो जो उसके एग्जाम्पल्स हैं जो जियोग्राफी में एज एन आंसर हम लोग साइड कर सकते हैं वो मैं हमेशा अलग से लिख लेती थी, तो ये सब ने मुझे काफी हेल्प किया।
कमिंग टू माई हिंदी पार्ट, हिंदी के लिए मैंने 5 आवर्स का वीडियो डाला था स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, उसको मैंने कई बार रिपीटेडली देख लिया, उससे नोट्स बना लिए कि लेटर राइटिंग का फ्रेमवर्क क्या होता है और पर्यायवाची मुहावरे वगैरह, तो 3-4 बार देख लिया तो इट हेल्प मी एज वेल. देन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट विच इज जो आंसर राइटिंग है, मैंने जब से तैयारी अपनी शुरू की है मैंने आंसर राइटिंग बहुत ही थरली करी है, हर दिन मैंने आंसर लिखा है. सबकी अलग स्ट्रैटेजी होती है, सबके लिए अलग अलग चीजें वर्क करती हैं. इट वर्क फॉर मी, मैंने हर दिन आंसर राइटिंग की और इससे मुझे बहुत एज मिला. इवन मेरे प्रीलिम्स के रिजल्ट के बाद और मेरे मेंस पेपर के बीच में मैंने हर दिन आंसर राइटिंग की. दिस हेल्प मी टू, मेरा पेपर पूरा हो पाया एज वेल एज मैंने पेपर सारे अच्छे से टाइम लिमिट में कंप्लीट किए, तो दिस वॉज बेनिफिशियल फॉर मी. ऐसे राइटिंग के लिए भी मैंने कुछ भी अलग से नहीं किया, मैंने सिर्फ प्रैक्टिस करी है. सेवरल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अवेलेबल, जैसे इनसाइट्स है और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, उस पर मैं हमेशा लिखती थी. ऐसे के लिए मैंने कोर्ट्स का कुछ एक वो बना लिया था पेज, उसमें मैंने कई अच्छे अच्छे कोर्ट्स लिख लिए थे, तो ये मेरे लिए मैंने उसको यूज कर ली थी अपने एसेज में. नेक्स्ट कम्स जो हमारा थर्ड सेगमेंट है विच इज इंटरव्यू. इंटरव्यू के मीन्स के रिजल्ट में और इंटरव्यू के बीच में मेरे सिर्फ 10 से 12 दिन का डिफरेंस था. मैंने अपने उन दोस्तों की मदद ली जो ऑलरेडी इंटरव्यू दे चुके थे, मैंने उनसे बोला कि आप मेरे मॉक्स लियो पीरियोडिकली, आप मेरे मॉक्स लें और मुझे बताएं कि मेरी कमियां क्या है. ऑल्सो मैंने 2 से 3 ऑफलाइन मॉक्स दिए, उसमें जो भी उन्होंने मेरी कमियां बताई मैंने उस पर काम किया. जैसे जब मैं इंग्लिश बोलती हूँ तो मैं कभी कभी बहुत फास्ट बोलने लग रही थी, दूसरा मेरे हैंड जेस्चर्स काफी थोड़े से पे मुझे उन्हें कंट्रोल करना था, तो आई वर्क ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स अलॉट, तो दिस हेल्प मी एज वेल. वेन वी टॉक अबाउट मेरा मेन डे ऑफ द इंटरव्यू, इट वॉज अ क्वाइट अ डिफरेंट एक्सपीरियंस सिंस मैं पहली कैंडिडेट थी अपने पूरे दिन की, और मेरा इंटरव्यू रैदर देन ट्रेडिशनल 12 to 15 minutes माई इंटरव्यू वेंट फॉर अराउंड 30 to 35 minutes, एंड मतलब इट वॉज अ वेरी प्रेशराइजिंग सिचुएशन. मैं अंदर गई तो दे ऑफर्ड मी बिस्किट एंड पानी, फिर मैंने पानी को पोस्टर से ढक दिया दोबारा, देन दे ऑब्जेक्टिव कि ऐसे नहीं करना चाहिए. ऑल्सो मेरे जो चेयरमैन थे उन्होंने मेरे ब्रांच इंजीनियरिंग ब्रांच से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे, बहुत सारे क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं भी दे पाई, जो आता था उसको दिया और जो नहीं आता था उसको मैंने पोलाइटली बोल दिया सॉरी सर मुझे नहीं आता है, बट दे वर ग्रिलिंग अलॉट, बहुत प्रेशराइज कर रहे थे. एंड देन कमिंग टू द सेकेंड पैनलिस्ट, उन्होंने करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे एनवायरमेंट रिलेटेड, NDC, ग्रीन हाउस गैसेज वगैरह. थर्ड पैनलिस्ट ने शी आस्क मी क्वेश्चन मेरी साड़ी से रिलेटेड, कि जैसे आपका साड़ी जो है वो कॉटन और खादी मिक्स है, तो मतलब स्मॉल वीवर्स ने बनाया होगा, तो उनके प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और उनके इश्यूज क्या क्या हैं, कैसे दूर किया जाए उसे. नेक्स्ट कम्स जो फोर्थ थे वो ज्योग्राफी के थे, उन्होंने मुझसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड और कौन सी फसल बोई जाती है काटी जाती है और ये अर्बन हायरार्की रूरल अर्बन फ्रिंज इनसे क्वेश्चंस पूछे, तो ये सब तो टैकल हो गए थे. फिर दोबारा कमिंग टू द चेयरमैन, ही आज में कि अच्छा आपका फेवरेट डिश क्या है, आप पाव भाजी है तो आप पाव भाजी कैसे खरीदते हैं, और उसके बाद ही आज में कि पानी पे एक्सपायरी डेट होती है कि नहीं बिसलेरी की बॉटल पे, तो अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस लाइक दैट. तो इंटरव्यू के लिए सिर्फ एक सजेशन मैं ये देना चाहूंगी कि आप लोग मेंटली कुछ प्रिपेयर होकर मत जाइए कि इंटरव्यू में मतलब ऐसा ही होगा इंटरव्यू या कैसा होगा. मेरा इंटरव्यू वॉज नॉट एट ऑल द काइंड ऑफ इंटरव्यू जो सबका जनरली हो रहा था, जिसमें लोग HR बेस्ड क्वेश्चंस और केस स्टडीज और सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस दे रहे थे. मेरा वॉज कम्प्लीटली कंटेम्पररी, एक भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं था जैसे गवर्नमेंट का स्कीम कोई पूछे या फिर वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड क्वेश्चंस हो, ऐसा कुछ भी नहीं था. इट वाज कम्प्लीटली कंटेम्पररी एनोनिमस, आप जाए और दे वर जस्ट चेकिंग योर प्रेजेंस ऑफ माइंड. वो बहुत प्रेशराइज कर रहे थे, बट मैं सोच रही थी कि मैं एंड तक काम रहूंगी, पीसफुल रहूंगी और पोलाइटली आंसर करूंगी, तो आई थिंक वो अप्रोच देख रहे थे एंड दिस समवेयर हेल्प मी टू. तो कमिंग टू द लास्ट सेगमेंट, कुछ स्पेशल मेंशंस में मैं सिर्फ यही कहूंगी कि सेल्फ मोटिवेटेड रहिए और ये जर्नी बहुत ही विशेष साइकिल है. आप कोशिश करिए कि आप इसको इनोवेटिव बनाइए और अपनी स्ट्रैटेजी खुद कंस्ट्रक्ट करिए. सबके लिए डिफरेंट चीजें वर्क करती हैं एंड टेक वन डे एट अ टाइम. हर दिन अपना प्रोग्रेस मेजर करिए कि आप कितना अच्छा कर पा रहे हैं और जस्ट टू एंजॉय द जर्नी आप कुछ अच्छी आदतें अपने अंदर इंकल्केट कर सकते हैं. जैसे मैंने अपने इस प्रिपरेशन में मेडिटेशन और योगा पे बहुत ही ज्यादा बहुत ध्यान दिया और इसने मेरे को मेंटल पीस प्रोवाइड किया बहुत ज्यादा, सो दिस हेल्प्ड मी अलॉट.
ऑल्सो प्रेलिम्स आर नियर बाय एंड और ऑल आई से इसकी ये बहुत ही कठिन सर्कल है, मैं भी बहुत एस्पिशियस सर्कल मिस करती, मेरा भी इतने ऐसी प्रेलिम्स नहीं निकल रहा था, तो जस्ट कि यू वर्क हार्ड एंड जस्ट होप फॉर द बेस्ट एंड बी ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज ऑल फॉर मी, और आपको कोई भी हेल्प चाहिए जस्ट लेट मी नो एंड थैंक्स अ लॉट.